हेलो एंड वेलकम टू स्काईहेड क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस। आपको क्या पढ़ा चुके हैं हम लोग, परसेंटेज पढ़ा चुके हैं इससे पहली क्लास में, फैक्टराइजेशन करा चुके हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करा चुके हैं, पेशनल नंबर करा चुके हैं। तो सारी वीडियो उसको जाके देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सारी की सारी। और इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोगों के लिए 11th एंट्रेंस के लिए हम लोग रेडी हैं आपको पढ़ाने के लिए। आपका इतना फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करो, ठीक है, एंड अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करो। और मुझसे पहले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। जितनी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, कॉपी और पेंसिल लेके बैठा करो। आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना चुका हूं कैसे आपको कोर्स को सिलेबस को कंप्लीट करना है। और भी जो भी आपको कोई भी इंक्वायरी हो, ठीक है, किसी भी टॉपिक की कोई भी इंक्वायरी हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो नंबर पे, नहीं तो कमेंट कर दो, ठीक है। कमेंट करके इंक्वायरी पूछ लो, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, तो डोंट वरी, ठीक है बेटा। तो अभी मैथ्स की क्लास शुरू करते हैं हम लोग, और क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपके सिलेक्शन है, 9th क्लास में हमारे सिलेक्शन रहे हैं, 25 प्लस सिलेक्शन से, ये टॉपर्स जो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये 2024 के सिलेक्शन से हमारे, ठीक है बेटा, 25 जो सिलेक्शन बोल रहा हूँ 2024 के हैं। कुछ बच्चों को सिलेबस के बारे में नहीं पढ़ा होता, तो मैथ्स के बेटा 30 क्वेश्चन आते हैं और 8th क्लास से रिलेटेड आते हैं, बाहर कुछ नहीं जाता। आपको बुक कौन कौन सी लेनी चाहिए, आप पियर्सन की बुक ले सकते हो, ठीक है, एस बुक आती है मैथ्स, एस बाई पियर्सन, आर एस अग्रवाल ले सकते हो, आडियर शर्मा ले सकते हो। और मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है, इन सबको हमने कंसाइज करके बेस्ट क्वेश्चन की एक बुक बना दी है, ठीक है। इसका हेड क्लासेस की जो गाइड है वो आपके लिए लॉन्च होने वाली है, उसमें सभी आएगा, आप चाहे वो आपका मैथ्स हो, साइंस हो या इंग्लिश हो, ठीक है, हिंदी हो चाहे वो उर्दू हो, सब कुछ उस बुक में रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। चाहोगे तो आप लोग वो बुक खरीद सकते हो। जो बच्चे जामिया का पेपर देना चाहते हो, उसमें भैया 20 नंबर की आपकी SST जुड़ जाती है, हिंदी और उर्दू आता नहीं है उसमें, और उसमें इंग्लिश आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। इसका हेड क्लासेस आपके लिए बेटा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस कराती है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन हम दोनों करा रहे हैं, ऑनलाइन आपको बिल्कुल फ्री करा रहे हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए, जो ये क्लास है ना, इसका पीडीएफ नोट चाहिए, तो आपको ये इसका हेड क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जाके, ठीक है, डाउनलोड करो और वहां पर 9th एंट्रेंस के लिए पायोनियर 2.0 बैच है, उसमें जाके उसको इंस्टॉल ले लो उसको, मतलब उसमें अंदर चले जाओ, उसको खोल लो, और उसके लिए हम लोग आपको वहां पर जाके एक्सेस कर सकते हो पीडीएफ वगैरह सब कुछ। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं और फीस में कुछ प्रॉब्लम है भाई कि ये वाली फीस हम नहीं दे सकते ऑफलाइन की, तो आप लोग लक्ष्य डिग्निटी का स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हो, वहां पर आपको पूरी फीस फ्री हो जाएगी, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटा। इसका हेड क्लासेस ऐप पर क्या मिलने वाला है आपको, जैसे ही ये क्लास खत्म होगी 10 क्वेश्चन की DPP अपलोड हो जाएगी, चैप्टर खत्म होगा चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाएगा, वीक में जितनी भी हमने चैप्टर करा दी उसका चैप्टर टेस्ट होगा, ठीक है, ओके, वीकली टेस्ट होगा, कैप्सूल टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट आपके चलेंगे ही चलेंगे, और रेगुलर जो मेन पॉइंट है ना मेंटरशिप, वो इसका हेड के एक्सपर्टीज द्वारा मिलेगी आपको, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा, देखो ये क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ कॉस्ट, इसके बारे में छोड़ दो सबसे पहले। इससे पहले अगर मैं बात करता हूं आपको, थोड़ी सी कहानी बताता हूं, कहानी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्या सुनेंगे, कहानी, कहानी में सब कुछ आने वाला है। देखो एक लड़का था हमारा, उसका नाम था साहिल, क्या नाम था भाई, साहिल नाम का बच्चा था हमारा, साहिल हमारा स्टूडेंट है, और उसने क्या सोचा कि यार कोई सामान खरीद के लेके आते हैं, क्या लेते हैं, कोई सामान खरीद के लाते हैं, और वो पुराने जमाने का एक रेडियो खरीदने चला गया भाई, रेडियो लेके आते हैं, लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं, वो रेडियो लेने गया, ठीक है। अब रेडियो जो लेने जा रहा है वो, ठीक है भैया, तो उस रेडियो को उसने परचेज कितने रुपए का किया भाई, उसने परचेज किया 2000 रुपए का रेडियो, ठीक है। अगर जो बंदा रेडियो परचेज करके ला रहा है, क्या करके ला रहा है सर, परचेज करके ला रहा है, बाय करके ला रहा है, खरीद के ला रहा है उस 2000 रुपए का, ठीक है, अगर कोई बंदा 2000 रुपए का खरीद के लेके आ रहा है, उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या है, खरीदी हुई प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस। ये बंदा कितने रुपए का खरीद के लाया इस रेडियो को, 2000 रुपए का, क्लियरली समझ में आ रहा है, 2000 रुपए का ये रेडियो खरीद के लाया, ला के गाना बजाया, एक दिन तो बढ़िया चला, लेकिन इसको बाद में पता चला यार अब तो जमाना अच्छा है, यार अब तो AI का जमाना आ गया है, तो रेडियो से क्या करूंगा, नहीं हटा देता हूं, बेच देता हूं। अब ये रेडियो मार्केट में बेचने चला गया, क्या करा, रेडियो को मार्केट में बेचने चला गया, मतलब सेल करने चला गया, बेचने को क्या बोलते हैं, सेल करने चला गया। तो इस रेडियो को उसने 1800 रुपए में बेच दिया, कितने में बेच दिया बेटा, 1800 रुपए में बेच दिया।
तो इसको जो ये कॉस्ट है ना, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा? सेलिंग प्राइस। ओके, इसको क्या बोलते थे? कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं, ठीक है। अब इसने 2000 की चीज 1800 में बेच दी। बताओ जल्दी से, 2000 की चीज 1800 में बेच दोगे तो मैं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? ऑब्वियस सी बात है, लॉस होगा। तो आपने देखा कि हमारी सीपी जो है वो ज्यादा है एसपी से। 2000 रुपये ज्यादा है यार, 2000 रुपये आपके ज्यादा है किससे? 1800 रुपये से। कितने ज्यादा है वो चेक करने के लिए आपने 2000 में से माइनस कर दिया 1800, और आपको पता चला कि हमारे कितने लॉस कर लिया भाई? 200 रुपये। 200 रुपये कम में बेचा ना। तो ये क्या है बेटा 200 रुपये? सर ये 200 रुपये हमारे लॉस के हो गए। किसके हो गए? 200 रुपये हमारे लॉस के हो गए। लॉस हो गया, समझ गए ना, समझ गए ना। तो लॉस हमारा कैसे निकलता है? लॉस ऑलवेज अगर आपको देखना है तो आप कैसे देखोगे? एसपी सीपी ज्यादा होगा, हमने जो परचेज किया है वो ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। आ गया समझ में? तो आपने क्या सीखा बेटा? हमने सीपी सीखा, ठीक है, 2000 रुपये का खरीदा हुआ चीज। एसपी सीखा, उसको 1800 में बेच दिया सेलिंग प्राइस। और क्या सीखा? लॉस सीखा। कितने रुपए हुआ? इन दोनों में से माइनस करके कितना मिला था हमें? 200 रुपये। ये हमारा लॉस हो गया। एक और चीज हमारा साहिल प्रॉफिट के लिए बताते हैं। कोई चीज खरीद के लाया 10 रुपए की, ठीक है, 10 रुपए का वो मार्कर लेके आया। क्या लेके आया? मार्कर लेके आया अजीत सर के लिए। क्या लेके आया? अजीत सर के लिए मार्कर लेके आएगा, अजीत सर को देना है। लेकिन उसका दोस्त कहता है, यार इस मार्कर के मैं 15 रुपए दे दूंगा। किसको? 15 रुपए तुझे दे दूंगा। तो ये जो 10 रुपए थे जो खरीद के लाया था, इसको क्या बोलते हैं? खरीद के लाने को कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसने देखा यार इतना फायदा मिल रहा है जी सर को, तो बाद में दूसरा खरीद के दे दूंगा, 5 रुपए का यहाँ फायदा मिल रहा है, तो इसको 15 रुपए का उसने सेल कर दिया। इसको क्या कर दिया? सेल कर दिया। तो देखो ध्यान से भाई, एसपी ज्यादा निकली ना सीपी से, समझ गए ना। तो 15 रुपए में से माइनस किए 10 रुपए, तो 5 रुपए का उसको क्या हुआ सर? 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? 5 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ऐसे आप प्रॉफिट निकालते हो, ठीक है, प्रॉफिट हो गया। ये छोटी सी बात थी जो सबको आती है, लेकिन मेन पॉइंट है हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। और परसेंटेज निकालना मैंने आपको सिखा दिया है, परसेंटेज निकालना हमने आपको सिखा दिया है। सिखाया है ना? नहीं सिखाया तो इस वीडियो के पहले उसको जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परसेंटेज यानी आपको क्या क्या निकालना है? एक तो प्रॉफिट परसेंटेज होती है। क्या होती है? प्रॉफिट परसेंटेज। दूसरी क्या होती है सर? लॉस परसेंटेज। और दोनों की दोनों किस पर निकलती हैं? ध्यान रखना बेटा, दोनों की दोनों सिर्फ आपकी कॉस्ट प्राइस में निकलेंगी, सेलिंग प्राइस पे कभी नहीं निकलेगी। पॉइंट है ना, कॉस्ट प्राइस पे आपकी दोनों की दोनों निकलती हैं, वो चाहे आपकी क्या है, प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो दोनों किस पे निकलेंगी? कॉस्ट प्राइस पे। क्लियर? कैसे निकालेंगे बताओ? जैसे कि यहाँ लॉस परसेंटेज निकालना है, मैं कितने परसेंट का लॉस हुआ। तो सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम? लॉस परसेंट। बताओ भैया क्या है? ऑलवेज किस पे निकलेगी? सीपी पे। तो आपको किस पे निकालनी है? 20 रुपए का हमें लॉस हुआ डिवाइडेड बाई 2000। परसेंट लगानी है ना, तो मैंने ये सिखाया था, इंटू कर देंगे 100। क्या कर देंगे? इंटू 100। परसेंट लगानी है तो इंटू 100। 1 2 3 4, सॉरी, 2 जीरो से 2 जीरो, ये वाले जीरो से ये जीरो, ठीक है। तीनों जीरो खत्म हो गया, 1 से 1 चला गया, ठीक है भाई। नहीं बताओ यार, 20 अपॉन 2000, 20 200 रुपये थे यार, 200 थे, सॉरी, ये 200 थे, 20 नहीं थे, 200 रुपये का लॉस हुआ था, 200। तो 200 अपॉन 2000 इंटू, तो कितना बचाएगा? ये वाला जीरो चला गया, यानी 20 बचा। और हमें क्या लगाना है? परसेंट। तो 20% का हमें लॉस हुआ। अगर 200 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब हमें अब परसेंट में बोलोगे तो 20% का लॉस हुआ। क्लियर आ गया? समझ में आ गया? नहीं आ गया तो लॉस परसेंट कभी भी निकालना है तो आप क्या फॉर्मूला बना आपका? लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस, जितने रुपए का आपको लॉस हुआ, डिवाइडेड बाई सीपी इंटू 100। ये आपका लॉस का फॉर्मूला हो गया। सर प्रॉफिट भी तो सीपी भी निकालते हैं, तो प्रॉफिट का क्या होता है? सर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो। अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालनी है तो आप ऐसे निकाल लोगे, एसपी ग्रेटर देन सीपी ना, तो एसपी में से सीपी माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकला, सिर्फ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या? प्रॉफिट जितने रुपए का आया वो ऊपर प्रॉफिट है ना बेटा, अपॉन सीपी इंटू 100। क्लियर है? ये आपके दो फॉर्मूले मुझे लगता है आपको समझ में आए होंगे। कैसे निकालेंगे? यहां कितने था? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, और सीपी कितना था सर? 10 रुपीज। 10 रुपीज था ना सीपी, 5 का प्रॉफिट। इंटू क्या करना है? परसेंटेज निकालना है, इंटू 100।
जीरो से जीरो चला जाएगा, 5 × 10 मतलब 50% का फायदा हुआ। कितने परसेंट का फायदा हुआ और क्या, 15 रुपए में बेचा है, 50% का सीधे सीधे फायदा है। तो ये आपका निकालना है लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट। यहां तक आपने सीखा, समझ में आ गया। अब क्या होता है बेटा, इनके आगे ना जब फॉर्मूला आएगा तब बताऊंगा, एक दो और फॉर्मूले हैं ठीक है। जब हमें सीपी गिवन हो तो एसपी परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ठीक है, एसपी कैसे निकालेंगे वो आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या सिखाया, जरा सामने देखो क्या सिखाया बेटा जी, बताओ मुझे जल्दी से। सबसे पहले मैंने सिखाया कॉस्ट प्राइस यानी सीपी, सीपी यही तो बोल रहा था मैं। सीपी क्या कहती है, सीपी द अमाउंट फॉर विच आर्टिकल इज ब्राउट, ब्राउट मतलब खरीदना, ब्राउट मतलब जो भी आर्टिकल या जो भी चीज हमने खरीदी है उसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस। बाय करना, नहीं वही तो कह रहा, हम जो बाय करते हैं बीयू बाई बाय, या फिर उसको दूसरे नाम से भी परचेज बोल देते हैं, है ना, परचेज बोल देते हैं। दोनों चीज समझ में आ गए, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं सर जी। एसपी वही तो बता रहा था, हम सेल करते हैं जिस चीज को, किसको, जिस चीज को भी हम सेल करते हैं, सोल्ड करते हैं, जो बेच दी हमने, ठीक है, सेल करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं बेटा, सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको, एसपी, ठीक है, सेलिंग प्राइस। क्या करते हैं भैया, सेल कर दी किसी को भी, बेच दी, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बेच दी, ठीक है भैया, बेच दी, समझ में आ गया ना। चलो भाई अब बात करते हैं प्रॉफिट और गेन, या तो गेन लिखा हो कहीं भी या प्रॉफिट लिखा हो, ये दोनों ही बात फायदे के लिए है। अभी सिखाया ना मैंने आपको फायदा, ठीक है भैया। तो फायदा कब होगा, जब बेचने वाली चीज एसपी ज्यादा होगी सीपी से तभी तो फायदा होगा। एसपी हमारी 15 रुपए की थी, सीपी हमारी 10 रुपए की थी, ऑब्वियस सी बात है ये ज्यादा है। तो हम कैसे करेंगे सर, एसपी में से माइनस कर देंगे सीपी को, यही तो सिखाया, तो प्रॉफिट या गेन आपका आ जाएगा। प्रॉफिट एक ही बात, फायदा प्रॉफिट एक ही बात है ना, ये फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, ये चीज बता चुका। लॉस ऑब्वियस सी बात है यार, कम बेची, 20 रुपए की चीज को सिर्फ 15 रुपए में बेच दिया, है ना। तो ये क्या थी हमारी, सीपी थी। ये कितने की थी, सेल करने वाली, एसपी थी। सीपी ज्यादा है ना एसपी से, यही तो सिखाया था भाई 2 मिनट पहले। रेहाना तो बोल दिया करो, कमेंट तो कर दिया करो, वीडियो को लाइक करना मत भूला करो, लाइक बहुत कम आती है, व्यू से ज्यादा कम लाइक है ना, ये नहीं होना चाहिए, व्यू बराबर लाइक होने चाहिए, मुझे इसमें मजा आता है, ठीक है। यानी हमने 20 रुपए की सीपी थी, माइनस कर दिए 15 रुपए, कितने आए, 5 रुपए का लॉस हो गया, लॉस हो गया, ठीक है सर। वही है गेन इक्वल टू गेन, गलत लिखा है लड़के ने, चेप दिया है, इसको गेन की जगह क्या लिखोगे, लॉस, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग वाले हमारे भाई साहब जो है वो गलत कर दे। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोल भी रहा था, द गेन और लॉस इज ऑलवेज रिकॉर्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर आपको निकालना है लॉस और गेन, लॉस और गेन परसेंट जो भी निकालना है, निकालना है आपको तो ऑलवेज किससे देख के निकालते हैं, निकालना है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकालते हैं, यही तो सिखाया था, अभी बोला था, निकाल के दिखाया भी था। तो गेन परसेंट मतलब गेन, अगर नॉर्मल निकालना है गेन बोला या प्रॉफिट, तो एसपी माइनस सीपी, लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी, ये बता चुका हूं ना, ठीक है। अगर इनका परसेंट निकालना है सिखाया था, गेन परसेंट निकालना है तो गेन अपॉन सीपी, सीपी पे निकालेंगे और बेस, ये सिखाया मैंने अभी थोड़ी देर पहले, बताया भाई क्या फॉर्मूला था, कि भाई 20 रुपए की चीज थी, हमने 30 रुपए में सेल कर दी, ये सीपी थी मतलब खरीदी थी, इसको सेल कर दिया इतने में, मतलब है नहीं, एसपी ज्यादा है सीपी से, कितना ज्यादा है, तो 30 रुपये माइनस 30 रुपये, यानी कितना हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ ये बताना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू बोलता है आपका जो प्रॉफिट हुआ है 10 रुपये डिवाइडेड बाई जो कॉस्ट प्राइस है, आपकी कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज, परसेंटेज लगानी है तो × 100, ठीक है, जीरो से जीरो चला जाएगा, 2 5 10 होता है, और 5 10 5 50, तो आप बोलोगे सर 50% का प्रॉफिट हुआ या गेन हुआ। एक ही बात, लॉस के बारे में जानते हैं, तो लॉस परसेंट निकालने के लॉस अपॉन सीपी × 100, बेसिक बात है, समझ गए ना, मतलब 100 रुपए की चीज थी उसको हमने सिर्फ 80 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है, ये सीपी थी, ये एसपी हो गई, मतलब क्या हो गया सर, सीपी ग्रेटर देन हो गई एसपी से, इसका मतलब सीपी में से माइनस कर दो एसपी को तो क्या आएगा, लॉस आएगा, ठीक है सर। सीपी ज्यादा है यानी 100 रुपीज ज्यादा है, अपॉन माइनस कितना है 80 रुपीज, तो आपका जो लॉस निकला वो 20 रुपए का निकला। अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो फॉर्मूला आपको पता है, 20 अपॉन ऑलवेज सीपी पे निकलेगा, 80 और परसेंटेज लगानी है तो × 100, आ गया ना भाई साहब, आ गया सर जी, बोलो भाई क्लियर है ना। चलो
ये जीरो से ये जीरो चले गए, है ना बेटा। दो एक हम दो, दो चौक आठ, और टू वन जा टू, टू फोर जा एट, और फोर 25 जा सीधे 25 चौका 100, है ना। 25 का टेबल आपको याद होना चाहिए, यानी आपको कितने परसेंट का फायदा या लॉस है, लॉस के बारे में बात कर रहे हैं। लॉस परसेंट हुआ 25% का, लॉस परसेंट कितना आया 25% का, क्लियर। अब बात करेंगे किसके बारे में, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। आपको एसपी निकालनी है, क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। व्हेन सीपी एंड गेन परसेंट या लॉस परसेंट आर गिवन, मतलब अभी तक क्या निकाल रहे थे हम लोग, क्या निकाल लेते, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते, निकाले नहीं निकाल लेते। अब हमें क्या निकालना है, एसपी निकालना है, और हमें क्या क्या दे रखा है, सीपी दे रखी है और गेन परसेंट दे रखा है या लॉस दे रखा है। मान लो ऐसे कि हमसे बोला गया एसपी हमें पता नहीं, सेल कितने में किया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क से। लेकिन सीपी बोल दिया कोई चीज को मैंने कितने रुपए की खरीदी, 100 रुपए की, ठीक है, कितने रुपए खरीदी, 100 रुपए की, और हमें परसेंटेज प्रॉफिट परसेंट निकालना, यानी प्रॉफिट रुपीज में नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपको 20% का, 20% का, पहले बोल रहा हूं सीपी 100 रुपए और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, और एसपी पूछे तो आपके लिए फॉर्मूला ये है, एसपी इक्वल टू 100 प्लस कर देंगे गेन परसेंट में, यानी आपको क्या करना है 100 प्लस गेन परसेंट कितना है, गेन परसेंट सर 20, ठीक है, परसेंटेज है तो डिवाइड बाई 100, यहाँ 20 मतलब डिवाइड बाई 100, तो 100 प्लस 20 और इन टू में लिखते हैं सीपी, क्या लिखते हैं सीपी, तो सीपी हमें कितना गिवन है, अभी क्वेश्चन में लिखा, अरे बोलो यार कितना गिवन है, सीपी हमारा 100 गिवन है, ठीक है सर। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, मतलब 100 प्लस 20 होता है 120 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, सेलिंग प्राइस कितना आ गया सर, सेलिंग प्राइस आ गया 120 रुपीज। ऑब्वियस सी बात है, देखो ध्यान से, कोई 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में बेच दोगे तो कितने रुपए हुए, 20 रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ ना। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो क्या करो, 20 डिवाइडेड बाई 100 इनटू 100, 100 से 100 काट देना, 20% का फायदा हुआ, हो गया नहीं हो गया सिंपली। अब इस सेकंड वाले को ध्यान से देखो, प्लस कर देता हूं, आपको एसपी गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए कर रहे थे 100 में प्लस कर रहे थे प्रॉफिट परसेंटेज जो भी दे रखी है, यही तो कर रहे थे भाई, अपॉन 100 इनटू सीपी कर रहे थे। लेकिन अगर एसपी आपसे पूछी जाए, एसपी आपसे पूछी जाए और लॉस दे रखा हो तो लॉस तो कमी हुई ना, कुछ नोच कमी हुई ना, तो माइनस कर दोगे लॉस परसेंट को, बस इतना कर दोगे लॉस परसेंट को माइनस, डिवाइडेड बाई 100 इनटू सीपी। मतलब सर समझाओ, क्या करो, एक्सप्लेन करो, समझाओ, हमें मतलब नहीं है, ठीक है सर। जैसे कि 200 रुपए की कोई चीज हमने खरीदी, यानी सीपी खरीदी, खरीदी मतलब सीपी, ओके सर, 200 रुपए की, उस पे हमें 10% का लॉस हो गया, क्या हो गया, 10% का लॉस हो गया, ठीक है सर। तो हमें एसपी बताओ, एसपी हमें बताओ। तो जब कभी भी एसपी ना पता हो और सीपी और ये परसेंटेज पता हो, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि 100 में से लॉस परसेंट को कम कर दो, यानी 10 को कम करके डिवाइडेड बाई कर दो 100, ठीक है सर, फॉर्मूला कहता है ये, इनटू कर दो सीपी, सीपी कितने का था, 200 रुपए का, सही है। ये दो जीरो से सर ये दो जीरो चले जाएंगे, तो एसपी कितने का हो गया भाई, 100 में से माइनस कर दो 10 को, है ना, और इनटू में क्या है, अभी दो बचे हुए, ये वाले 2 बचा है ना, तो कितना बचेगा, 90 रुपए ना, 90 इनटू 2 कितना हो गया, 9 × 18 180 रुपए में हमने वो चीज बेची, 20 रुपए की कमी आई, ठीक है। ये लॉस परसेंटेज दे रखा होगा हमें और एसपी पूछी होगी, लॉस परसेंटेज और सीपी जब दे रखा हो, सिंपल। अब क्या है, क्वेश्चन बदल सकते हो ना आप लोग, क्या बोल सकते हो, सर अभी तक तो एसपी निकाल रहे थे आप लोग, है ना, क्या था 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंटेज जो भी था आपका, अपॉन 100 इनटू सीपी। सर हमें तो सीपी चाहिए, क्या चाहिए सर, हमें ये सीपी चाहिए, एसपी दे रखा हो तो देखो क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, जल्दी बोलो, सीपी दे रखा हो तो क्या करोगे भाई, अगर कोई मल्टीप्लाई में चीज हो तो डिनोमिनेटर ऊपर जाता है, न्यूमरेटर नीचे आता है, यानी आप क्या कहोगे, एसपी इनटू में 100, डिनोमिनेटर वाले नीचे, इसको इधर भेज दो, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट, यही तो होगा, इक्वल टू क्या हो गया, सीपी। नहीं बना फॉर्मूला, उसी से बन गया, एक फॉर्मूला आया हो तो दूसरा बन गया, आ गया ना, देखो ये दे रखा। अगर हमें सीपी फाइंड करना है, फाइंड करना है ये फाइंड, और गिवन क्या है हमें, ये दोनों चीज, गेन परसेंट उल्टा बन गया ना, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू एसपी, गधा है। देखो सीपी निकालनी है तो ये सीपी है, ठीक है भाई, सीपी
सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। सही है सर, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके कौन बोलेगा समझ में आ रहा है। अब वीडियो को लाइक कौन करेगा? पड़ोसी आगे लाइक करेंगे क्या? ठीक है, लाइक करके अपने यूट्यूब पर, फेसबुक चलाते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाते हो इंस्टाग्राम, वीडियो को शेयर करो और बोलो मास्टर साहब की वीडियो देखो। ठीक है सर, मोहित बाउट अ सीडी। अब आपका क्वेश्चन आ गया, शुरू क्वेश्चन शुरू हो गए, बस पढ़ेंगे अच्छे से, दिमाग लगाएंगे और आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है सर, शुरू करें। चलो क्या कर रहा है मोहित बाउट, बाउट मतलब बाय की, उसने बाय कर ली, बाय कितने की? एक सीडी खरीदी 750 रुपए की, कितने रुपए की? 750 रुपए की। ओके सर, एंड सोल्ड यानी सेल कर दी, बेच दी, कितने की? जैसे जो खरीदी उसको बोल दो सीपी। ओके सर, जैसे उसने सोल्ड कर दी उसको बोल दो एसपी। फाइंड द गेन परसेंट, गेन ऑब्वियस सी बात है सर, एसपी हमें ज्यादा दिख रहा है सीपी से, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट ही हुआ ना, गेन ही हुआ ना। ठीक है सर, कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? गेन परसेंटेज चाहिए ना, पहले जानो गेन कितना हुआ, तो एसपी में से माइनस कर दो सीपी को। भैया 875 में से, 875 में से 750 रुपीज जाएंगे तो बचेगा 5। ओके, या 7 में से 5 के 2, 8 में से 7 गए तो 125 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। यहीं थोड़ी नहीं छोड़ेंगे इस क्वेश्चन को, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, गेन परसेंटेज पूछा है, परसेंट गेन परसेंट, तो गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या कहता है कि गेन, जो भी गेन अपॉन सीपी, ऑलवेज गेन परसेंट किसमें निकलेगा? सीपी पे, ऑलवेज सीपी पे इनटू 100, गेन और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकलेंगे। ओके, गेन परसेंट इक्वल टू गेन कितना हुआ सर? प्रॉफिट हमारा 125 रुपीस का, खरीदी किसमें थी? 750 रुपए में, 750 रुपीस में, इनटू कितना सर? 100, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 5 × 2 = 10, अरे बोलो यार 5 से काटो इसको, 5 बन जा 5, बचेंगे 2, अरे 15 हो जाएगा ना, 15 से काटो, 15 से कट रहा है नहीं कट रहा, 15 से 250 हो जाएगा ना, 15 से काटो, देखो 5 से काटो पहले, 5 से, 5 से काटते, 5 किया 15, काटो भाई 5 से काटोगे तो कितना आएगा बोलो, 5 × 20, अरे भाई 5 × 2 = 10, बचेंगे 2, 5 × 25, 25 जाएगा, अब कितना है 25 × 2 / 3, क्या है भाई परसेंटेज लगानी है, गेन परसेंट पूछा है तो प्लस करो, यहां से क्या करो प्लस स्लाइड, हमारा कितना है 25/3%, 3 है ही ना सर, 3 है। ओके सर, इसको लिखने का तरीका सही से, 3 × 8 = 24, बचेगा कितना 1/3%, ये आपका करेक्ट आंसर है, इतनी परसेंट का आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर, आप पोल्स में लिख के दिखाएं, ऑप्शन दे रखा हुआ वहां से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए सर आ जाओ क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कुछ गलती कर दी है ना शायद, शायद कर दी है ना, देखते हैं, कुछ तो गलती कर दी मैंने, देखो 25 नहीं था, इंटू 2 भी था तो 25 × 50 था, है ना, अपॉन 3 था, ये नहीं था आंसर बेटा, सॉरी वो लिखने में ज्यादा गलती होगी, परसेंटेज इसको लिख सकते हो, 3 × 3 = 3, बचेंगे 2, उतार लो 0, 3 × 6 = 18, है ना, बचेंगे 2 / 3%, ये सही है बेटा, है ना, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आप कमेंट करके भी बताते हो सर ऐसा हो गया। ठीक है, बताओ सर, राहुल परचेज अ टेबल फॉर ₹1260, कितने रुपए की खरीदी? परचेज मतलब सीपी। ओके सर, ये हो गया सीपी, कौन सी होगी सीपी? ये वाली, यही तो ही सीपी। ओके सर, अब बोलो, ड्यू टू सम स्क्रैचेस, उसमें कुछ खराबी रही, स्क्रैचेस रहे, खराबी रही, इसकी वजह से कम बेचना पड़ा उसको, उसने सेल कर दिया इतने रुपए का, है ना, लॉस हुआ उसको, उसको फाइंड लॉस परसेंट बताना है भाई, सीपी ज्यादा है एसपी से। ठीक है, तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे, क्या निकलेगा सर, क्या निकलेगा बोलो, लॉस निकलेगा, सिर्फ लॉस निकलेगा, परसेंटेज वहां निकालेंगे, कितना सीपी था सर 1260, एसपी है सर 1197, है ना, 10 में से 7 जाएंगे तो 3 बचते हैं, यहां 15, 15 में से 9 गए तो बोलो 15, 9 × 6 = 15, 6 बचेगा, यहां बन बचेगा, यहां हो गया, यहां हो गया, यहां हो गया, 63 रुपीज का लॉस आया, 63 रुपीज का लॉस आया। ओके, लॉस इक्वल टू 63 रुपीज, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला सबको पता है, क्या है सर, लॉस अपॉन सीपी, ऑलवेज सीपी पे निकलेंगे दोनों चीज, इनटू 100
100, यही तो था। तो लॉस परसेंट अगर हमको निकालना है बेटा जी, तो लॉस कितने का था? 63 रुपीज का। बताओ भैया, 1260 रुपए इंटू 100, जीरो से जीरो चला गया। देखो 63 दूनी 126 होते हैं, 63 दूनी 126, 2 1 2 2 5 10, तो कितने परसेंट आया? सिर्फ 5% आया, बहुत ईजी था। 63 3 26 ही होते हैं ना, वो सीधे से दिख ही रहा है। चलो करो, पढ़ो क्वेश्चन को जल्दी 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 जल्दी। क्या लिखा है? समटाइम्स आफ्टर परचेजिंग एन आर्टिकल, ओके सर, समटाइम आफ्टर परचेजिंग एन आर्टिकल वी हैव टू पे। अच्छा, ऊपर ओवरहेडेड्स लिखा है, सॉरी ये मैंने देखा नहीं। एक एक कॉन्सेप्ट है जो बताने जा रहा हूं, सुनो। मान लो, क्या माने, मान लो मुझे एक टीवी खरीद के लेके आनी है। क्या लानी है? टीवी। बाजार गया मैंने, टीवी ली 10,000 रुपए की, समझ में आ गया ना? क्या ली? 10,000 रुपए टीवी लेगी, मेरी सीपी हो गई। क्या हो गई? सीपी मैंने लिख दी भाई, सीपी हो गई मेरी 10,000 रुपए। लेकिन टीवी लेके तो जा नहीं सकता, घर से मोटरसाइकिल नहीं लाया, तो मैंने कहा भाई एक ई रिक्शे वाले को, क्या बोला? ई रिक्शे वाले को बोला कि भाई तू आ जा, मेरे घर तक टीवी पहुंचा दे। बोला भैया 500 रुपए लूंगा। क्या लूंगा? 500 रुपए लूंगा। किसके? फ्रेट चार्जेस। फ्रेट चार्ज मतलब लाने, घर तक पहुंचाने के 500 रुपए उसने ले लिए। मैंने कहा चल छोड़ कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अब मां जाके भैया उसमें जाके इंस्टॉलेशन मुझे तो करना आता नहीं, टीवी को टांगना तो मुझे आता नहीं, ऐसे करके बोर्ड पर टांग दो, नहीं आता ना। उसके लिए भी मैंने एक कारपेंटर है जो भी इंस्टॉलेशन के लिए आता है बंदा, 1,000 रुपए बोलेगा इंस्टॉलेशन के। आया समझ में? नहीं आया? तो अब क्या करें? ये पैसा इस टीवी को खरीदने में कितने रुपए लगे? 10,000 रुपए। 10,000 की टीवी बताओगे भाई? ये जो 1,000 रुपए और 500 रुपए लगे, ये भी तो टीवी के ही है ना। तो इन सबको जोड़ देते हैं, जितने भी खर्चे ऊपर के हो जाते हैं सामान को खरीदते हुए। जैसे मान लो लेबर चार्जेस, वो जो लगाने में लगा, रिपेयरिंग चार्जेस, कोई पुराना सामान खरीदा उसमें रिपेयरिंग कॉस्ट आ गई, ठीक है सर। लोकल टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन लेके गए थे ना, ट्रांसपोर्टेशन लेके आए थे, ठीक है। ये सबको हम उस सीपी में जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। अगर सीपी बताओगे तब क्या बताओगे आप? सर 10,000 + 11,500 रुपए। क्या आपसे बोलेगा टीवी कितने की खरीदी आपने? आप क्या बताओगे? इतने की, 10,000 की नहीं, इतने की, ठीक है। तो आज से आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन है, आप समझोगे मोहनलाल साहब थे, उन्होंने परचेज की ओल्ड स्कूटर। ओल्ड स्कूटर कितने का खरीदा? 12,000 रुपए का, ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये सीपी हो गई, ठीक है। उन्होंने स्पेंड किया 2,850 रुपए ऑन ओवर हॉलिंग, मतलब स्कूटर लाए, खच 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 कर रहा था, उसको मिस्त्री पे ले गए और तभी उसको उसमें 2,800 रुपए लग गए। वो क्या करेंगे? सीपी में जोड़ देंगे 2,850 रुपए, 2,850 है, 2,850 रुपए जोड़ेंगे। और कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो ये भैया ये दोनों अमाउंट को जोड़ देना, प्लस करके सीपी बनेगा, बेचने के बाद देखेंगे अलग। तो 0 0 5 8, 2 2 4 और 1, मतलब उनकी प्राइस कितना आ गया? 14,850 रुपए। आप बोलोगे सीपी कितने का खरीदा? 14,850 रुपए। अब उन्होंने क्या, ही सोल्ड, अब क्या कर दिया भैया? सेल कर दिया, ठीक है सर। किसको? फ्रेंड थे उनके सोहन बीर, 13,860 रुपए में। हाउ मच परसेंट गेन और लॉस? पहली चीज, 14,000 रुपए का तो उन्होंने खरीदा है ना, 12,000 मत देख लेना भाई, ये ओवरहॉलिंग चार्जेस लगा ना, तो 14,000 रुपए हो गया। 13,000 रुपए का, 13 समथिंग, 13,000 रुपए का बेच दिया, तो भाई सीपी ज्यादा है ना, सीपी सर ग्रेटर देन एसपी से, तो ऑब्वियस सी बात है, जो लॉस निकालना है वो तो आपको लॉस नहीं निकालना, सॉरी गेन नहीं निकालना, लॉस निकालना, ये बात तो आपको पता चलेगा। कितना लॉस हुआ वो देख लेते हैं। सीपी किया 14,850 रुपए है ना, माइनस क्या करना है? 13,860 रुपए। जीरो का जीरो रहेगा, एक इधर जाएगा 15, 15 में से 9 जाएंगे, 6 जाएंगे, 9 बचेंगे, यहाँ 17, 17 में से 8 गए, तो बताओ भाई 9 8 17, यहाँ पे भी 9 रुपए 9 बचेंगे, सही है। तो 9,900 रुपए का लॉस हुआ, 990 रुपए का लॉस हुआ, 990 रुपीज का लॉस हुआ, ठीक है सर। ये क्या है हमारा? सिर्फ लॉस पूछा है, लॉस परसेंटेज पूछी है। हाउ मच परसेंट मतलब लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला सबको पता है। लॉस परसेंट के लिए 990 रुपीज का लॉस हुआ, सीपी कितनी है पूरी, ये वाली 14,850 रुपए इंटू 100 रुपीज। अब तो निकाल लोगे, निकाल लोगे ना, तो इसको सॉल्यूशन कर लेना बेटा, ये वाला सॉल्व करो। चलो मैं ही कर देता हूँ, जीरो से जीरो चला जाएगा, ठीक है सर। और बताओ और क्या कर सकते हैं, बोलो भाई। जीरो जीरो चला के, पांच से चला के, 5 2 10, ओके, 5 5 2 10 बचेंगे, 4 5 9 45, 5 9 45, फिर बचेंगे 3 7 55, 7। देखो इसमें 7 है ना, क्या 7 से आ रहा है? नहीं जा रहा। और क्या जा सकता है जल्दी बोलो भाई,
तीन से जा रहा है क्या? 3 3 9 27, 3 9 27, 3 से जा रहा, देखो 3 9 27, 3 9 27, 3 1 3 3 9, 3 3 9 0, ओके सर, अभी भी कुछ जा रहा है, 3 से जा रहा है, देखो 3 3 9, 3 3 9, ओके सर, 3 1 3, 3 1 3 0, यानी ऊपर बचा 110 इनटू 3 2, सॉरी अपॉन में नीचे का बच रहा है 3 3, अभी भी कट रहा है ना, काटो, कट रहा है तो काटो, 3 से जा रहा है क्या? 11 से जा रहा है पहले, देखो 11, 3 जा 33, 11 बन जा 11, 11 बन जा 11 0, 10, तो 10 दूनी 20 हो गया, 20/3% लॉस हुआ। इसको सॉल्व करना आता है, 3 6 18 बचेंगे 2/3%, 6 होल्स टू 2/3, आपका भी आंसर आ रहा है 6 होल्स टू 2/3 या नहीं आ रहा? यही आंसर है, ठीक है बेटा, यही आपका, आप लोगों का आंसर है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना? चलो भाई चलें। ये क्या लिखा, रघु बाउट अलमीरा फॉर इतने रुपीस एंड स्पेंड इतने रुपीस, मतलब 6,250 रुपए की खरीदी थी, उस पर खर्चा कर दिया 375 रुपए का, जुड़ेगा ना, तभी तो सीपी बनेगा, ये पूरा सीपी बनेगा, इतना बड़ा पार्ट, ओके। ऑन रिपेयर्स देन ही सोल्ड इट 6,890 रुपए, देखते हैं फायदा हुआ नुकसान, 5 7 5 12 का 0 3 2 5 और 1 6 और 6, 6,225, 6,890 मतलब फायदा ही हुआ है ना, यहाँ पर गेन हुआ है ना, गेन परसेंट पूछा है ना, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, कितना होगा 6,890 और वो कितना है 6,625, यहाँ जाएगा 5 बचेगा, यहाँ कितने बचे 8, 8 में से 2 गए 6 बचेंगे, यहाँ बचा पूरे 8 2 बचेंगे, 265 रुपए का उसको क्या हुआ, फायदा, फायदा, प्रॉफिट, ओके सर। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए या गेन परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कुछ बच्चों के दिमाग में ये तो नहीं है सीपी क्या लिखना, भाई पूरा हो गया ना सीपी, तो इसको भी लिखेंगे नीचे, ठीक है, लिखो भैया 265 रुपीज का फायदा हुआ है, कितने से, 6,625 में से इंटू 100 रुपीज, ठीक है सर, कैलकुलेशन कर लेना, ये तो मुझे लग रहा है पूरा पूरा 5 से और ये पूरा कट जाएगा, तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है भाई, कर लोगे ना, इतना तो कर सकते हो, तो आप लोग इसको कर लेना, ये आपके लिए कैलकुलेशन वाली जो प्रैक्टिस थ्योरम है वो आप लोग खुद कर सकते हो। चलो अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, स्टार बना लेना, ठीक है भाई, देखो ए बेंडर बाउट ऑरेंज 20, कितने ऑरेंज खरीद रहा है, अब अच्छे क्वेश्चन आ चुके हैं, अच्छे क्वेश्चन, दिमाग लगाना ना, पूरे नाक कान आंख सब खोल के देखना, ठीक है, सारे अपने पांचों सेंस ऑर्गन्स को खोलो और वहां पर बोर्ड पर देखो और क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, ए बेंडर बाउट अ परचेज ऑरेंज एट 20 रुपीज फॉर ₹125, बीस ऑरेंज खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, 20 ऑरेंज कितने रुपए के, 125 रुपए के, ठीक है सर, उनको सोल्ड कर रहा है 90 रुपीज पर दर्जन, 90 रुपीज पर दर्जन, और एक दर्जन में कितने होते हैं 12, यानी 12 कितने रुपए के खर्च बेच सकता है 90 रुपीज की, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट, सबसे पहली बात सुनो, 20 खरीद रहा है 125 रुपए के, ठीक है सर, और 12 जो बेचता है एक दर्जन में 12, तो 90 रुपए के, 90 रुपए के ना, अब गेन परसेंट हो रहा है लॉस परसेंट हो रहा है वो निकालो, तो सबसे पहले काम क्या करो, हमें ये देखना है, इसको ना उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं दर्जन के हिसाब से देखते, तो आपको क्या करना है, एक दर्जन में कितने 12, 12 होते हैं ना, और ये क्या है बेटा 20 खरीदे थे, तो इन दोनों का आपस में लो एलसीएम, क्या लोगे आप दोनों 20 और उसका लोगे आपस में एलसीएम, 12 और 20 का एलसीएम लो जल्दी से करो, बोलो 12 और 20 का एलसीएम लो जल्दी से करो, उससे आपका जल्दी से निकल जाएगा, तो सोचो अगर 20 के हिसाब से लें 12 एंड 20 का एलसीएम लेते, एलसीएम लेना है हमेशा दर्जन और ऐसे दे रखा हो 20, तो कैसे निकालोगे, 2 6 12, 2 2 20, 2 3 6, 2 5 10, 1 आ जाएगा 3 और 1 आ जाएगा 5, छोटे बच्चे नहीं हो, 5 15 20, 30 60, कितना आया बेटा 60 आया, 60 60 आया ना, 60 60 ऑरेंजेस की बात करेंगे कैलकुलेशन के हिसाब से, जिससे हमें जल्दी से उस हिसाब से अच्छे से सॉल्व हो जाए, ठीक है भाई, अब सोचो 60 ऑरेंजेस का प्राइस निकालो, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप इन दोनों को एलसीएम लेना, अब ये हो गए 60 ऑरेंजेस, कितने ऑरेंज हो गए 60 ऑरेंज का प्राइस ही निकालना पड़ेगा, तब जाके हम इस कैलकुलेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है ना,
इन दोनों के एलसीएम के हिसाब से, दर्जन में अभी कभी भी दे रखा हो तो। हमने निकाली है 60 ऑरेंज का हिसाब निकालना है, 60 ऑरेंज का। अगर 20 ऑरेंज, 20 ऑरेंज हमने 125 के खरीदते हैं तो भैया एक ऑरेंज कितने का खरीदेगा, तभी तो 60 ऑरेंज की बात करोगे। एक ऑरेंज हो जाएगा भैया 125 डिवाइडेड बाई 20, 125 डिवाइडेड बाई 20 एक ऑरेंज। 60 ऑरेंज कितने के खरीदोगे भाई, 60 ऑरेंज का प्राइस निकालना है ना, तो 60 ऑरेंज के लिए निकालो जल्दी से, तो क्या हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 60, ठीक है ना। तो 20 किया 60, 3 और 125 किया मतलब 5 किया 15 का 5 और 5 3 दुनी 6, 6 और 1 7, 3 एकम 3, यानी इतने रुपीस के 60 खरीदता है। कितने खरीदता है 60, 60 60 60 60, समझ में आया नहीं आया, पहले ध्यान से सुने। 20 ऑरेंज खरीद रहा था 125 रुपए के, लेकिन वो दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, तो दर्जन में कन्वर्ट करना है हमें, है ना। दर्जन में कन्वर्ट करें तो क्या करें, तो एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो ये जो 12 और जितने भी खरीदे 20 उनका एलसीएम ले लो, मतलब हम 60 अगर हम निकालें ऑरेंजेस उसके हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं, बेचने के भी और खरीदने के भी, ठीक है ना भाई, बेचने के भी और खरीदने के भी। तो अब ध्यान से सुनो, उसने कितने 60 ऑरेंज अगर खरीदेगा, 20 ऑरेंज 120 रुपए, 125 रुपए के, एक ऑरेंज कितने का हो गया 125 डिवाइड बाई 20, तो 60 ऑरेंज हमें निकालने थे एलसीएम के हिसाब से इतने रुपए हो गए। तो सेम सेलिंग प्राइस भी तो निकालो इसके हिसाब से, 12 ऑरेंज 90 रुपए के, है ना बेटा। तो एक ऑरेंज जो सेल कर रहा है, सेल वाला है वो ऑरेंज वाला, ये कितने 60 ऑरेंज खरीद लिए इसने, इक्वल लेके आना है 375 रुपए की सीपी हो गई, सीधे सीधे सीपी हो गई इक्वल बेसिस में, ठीक है भाई। एक ऑरेंज कितना 90 अपॉन 12, ठीक है सर। तो फिर भैया 60 ऑरेंज बराबर बराबर हो जाए ना एक बार 60 ऑरेंज के हिसाब से, तो 60 ऑरेंज कितने हो जाएंगे 90 अपॉन 12 इंटू 60, ठीक है। ये हो गई आपके कितना भैया, तो मल्टीप्लाई करके निकालो इसकी प्राइस निकल आएगी, देखते भैया एसपी निकलने वाली है, देखो भैया कैसे निकालोगे, 12 पंजे 60, 5 9 पंजे 45, 450 रुपए की आ गए, नहीं आ गया। सीपी कितने की, 60 ऑरेंज अगर खरीदता वो तो सीपी होती 375 रुपए की, एसपी होती 450 रुपए की, हो गया नहीं हो गया। अगर इक्वल बेसिस में हम ऑरेंज निकाले, पता चल गया ना, क्या कहना चाहता हूँ कि भाई 20 ऑरेंज 125 के निकालता है, लेकिन 20 ऑरेंज और बेच दर्जन में रहा है, हमारा दिमाग काम नहीं किया, पर दर्जन बोला है ना 12 90 रुपए के बेचा है, उल्टा सीधा हो गया ना। तो मैंने कहा एलसीएम ले लेते हैं 20 और 12 का, 60 ऑरेंज के हिसाब से काम करेंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ 60 ऑरेंज पे काम करेंगे, क्योंकि 20 और 12 का मैंने एलसीएम लिया, 12 कौन क्योंकि दर्जन बात कर रहा है। जैसे ही मैं दोनों का एलसीएम लिया तो मुझे मिला 60। अब हमें प्राइस कितने का निकालना है, प्राइस निकालना है सीपी और एसपी 60 ऑरेंज का, ये बोले तो हमने निकालने चले। तो 20 ऑरेंज वो खरीद कितने का रहा था, ये एलसीएम लिया था मैंने, एलसीएम है ना बेटा, कितने खरीद रहा था 125 रुपए के, यही तो सिखाया। तो हमने 60 ऑरेंज आपके पास अपने आप निकाले, क्योंकि एक ऑरेंज का प्राइस निकालेंगे 60 का, है ना बेटा। तो 60 ऑरेंज का निकाला 125 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 60, उससे हमने 375 रुपए निकाल लिए, 375 रुपए निकाल लिए, कितना निकला भाई 375। 60 ऑरेंज का मतलब ये हो गया हमारा सीपी, क्योंकि 60 ऑरेंज से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा सीपी। अब बात करेंगे एसपी की, तो भाई वो 12 एक दर्जन 90 रुपए की खरीदता है, बेचता है सॉरी सेल करता है, तो 12 है ना, एक ऑरेंज कितने का सेल करेगा, एक ओनली, एक ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज एक है ये, है ना, एक सिर्फ एक। अगर एक ऑरेंज कितने का सेल करेगा 90 अपॉन 12, तो इसके हिसाब से 60 ऑरेंज का प्राइस निकालना है ना, 60 ऑरेंज कितने खरीदेगा, तो 90 अपॉन 12 इंटू 60, तो 12 फाइव जा 60, तो 9 फाइव जा 45, यानी 450 रुपए के। अब मिल गया ना, इधर भी 60 ऑरेंज, इधर भी 60 ऑरेंज, ठीक है ना। अब पता चल गया आपको, यानी एसपी ज्यादा है किससे, सीपी से, तो आपको क्या होगा सर, गेन होगा, क्या होगा गेन होगा, क्या रुपए का गेन होगा सर, वो तो 450 में से और 375 रुपए माइनस करके देख लो, 5 चाहेंगे 5 बचेंगे, यहां बचेंगे भैया कितने 4, तो कितना बचा 7 में से 4, 11 में से 7 गए तो 4 बचे, यानी आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, बोलो यार कुछ गड़बड़ हुई है क्या। अगर यहां से 5 करेंगे यहां बचेगा 4, 4 बचेगा 14, 14 और 6 होता है 14 में से 7 गए, 14 में से 7 गए तो 7 ही बचे, 75 रुपीज का आपको प्रॉफिट होगा, 75 रुपीज का। परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपको पता है, ये प्रॉफिट यानी 75 ऑलवेज सीपी पे निकलता है, 375 इंटू 100, इजी था ना, 25 थी या 75 है ना, 25 एकम 25 बचेंगे कितने 12, 25 पंजे 125, 15 बजे 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5
से काट दो, 20% का फायदा हुआ, कितने परसेंट आया, 20%। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। कभी भी दर्जन में नॉर्मल खरीदे 20, 30, 25, और दर्जन में बेचने की बात कर रहा है, या दर्जन में खरीदे नॉर्मल में बेचने की बात कर रहा है, उसको पहले कन्वर्ट करो भाई उसमें 12 से एलसीएम लेके, उसके बाद जो इक्वल वेटेड में आ जाए, ठीक है, जो भी एलसीएम आ रहा है उसको उसमें कन्वर्ट कर लो, पता ही होगा उतने का इतना, तो एक का कितना, एक का कितना, तो उससे सिंपली आप निकाल लेते हो, जैसे मैंने निकाला। चले आगे, चलिए सर, सेम ये भी अच्छे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार बना लो। क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ प्राइस 10 ग्रीटिंग कार्ड्स इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड। बेचारे के पास 10 ग्रीटिंग कार्ड बिकते ऐसे हैं जैसे 8 ग्रीटिंग कार्ड के हिसाब से, ग्रीटिंग कार्ड मतलब 10 बेचेगा तब 8 के पैसे आएंगे, है ना बेटा, 8 के पैसे आएंगे। तो भैया 10 बेच रहा है, 8 के पैसे आ रहे हैं, तो 2 का तो लॉस हो रहा है ना एक तरह से, 10 बेचे है ना, पैसे किसके आ रहे हैं, 8 के हिसाब से आ रहे हैं, तो पैसे से मतलब है ना, एक तरह से 8 के पैसे आ रहे हैं सर। सीपी कितना हुआ, 8 का, पैसे तो 8 के आ रहे हैं ना, पैसे 8 का आ रहे हैं, बेचे 10। अरे सिंपल सी बात है, पैसे 8 के आ रहे हैं ना, बेचे 10, बेचे 10, हमारे 10 चले गए यार, समझ गए कि नहीं समझ गए, 10 चले गए यानी 2 का लॉस हो गया, क्लियर हुआ। बहुत इजी चीज है, बस परसेंटेज निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। हमने ध्यान से सुनना, 10 क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस 10 की थी यानी बेच, और 8 हमने, हमारे पास 8 के हिसाब से पैसे आ रहे हैं, तो इसको बस चेंज सोचा करो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये तो हो जाएगा एसपी है ना, और ये हो जाएगा हमारा सीपी, क्योंकि 8 के हिसाब से आ रहा है ना, और उल्टा जब हुआ एसपी ये वाला ज्यादा दिखने लगा आपको उल्टा ऐसे करके, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से बताओ, तो ये लॉस परसेंटेज में गिनने लगते हैं, क्या हो जाता है हमारा लॉस, समझ में आया। 10 हम सेल कर रहे हैं, एसपी हमारा 10 था लेकिन उल्टा पहुंचने लगा, 10 ज्यादा कर रहे हैं ना, 8 कम आ रहा, 2 का नुकसान। तो सिंपल याद रखना बेटा, अब कन्वर्ट करके क्या बोलोगे कि हमारे सीपी हुए 10, 10 हुए ना सीपी, 10 हुए हैं, और लॉस कितना है हमारा, लॉस हुआ है 2 का। परसेंटेज निकाल दोगे ना, परसेंटेज निकाल दोगे ना, कोई ऐसा बच्चा जो नहीं निकाल पा रहा हो, ठीक है, बताओ आ गया समझ में, बताओ भैया उल्टा समझ में आ गया ना, सीपी 10 कर रहे थे, एसपी सिर्फ 8 का पैसा आ रहा था, कितने का पैसा आ रहा है, 8 का। तो बस उल्टा समझना है, जो तुम्हें एक तरह से 8 है ना, अब बोलना 2 का लॉस हुआ कितने पर, 8 पर, 8 पे ना, 8 का ही तो प्राइस आया था हमारे पास, इनटू कर देना बेटा 100, समझ गए, 2 कम 2, 2 चौक 8, 25 चौका 100, बहुत इजी चीज है। 25% का हमें लॉस हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ, 25% का। दूसरे तरीके से समझाओ, दूसरे तरीके से समझाओ, नहीं समझ में आ रहा, सिंपल समझो यार, बस इतना समझो कि 10 ग्रीटिंग कार्ड बेचे, 10 ग्रीटिंग कार्ड बेचे 10, और एक्चुअल में सेलिंग प्राइस कितने का था, 8 का। आप कह रहे होगे सर सीपी 10 लिखो ना, अब ऐसे करोगे ना 10 बिक गए, लेकिन ध्यान से सुनो भाई, 10 के बदले में सिर्फ 8 के पैसे आ रहे हैं, एक तरह से हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इतना तो समझ में आ गया। तो 8 के जो पैसे आ रहे हैं उनको मेन पॉइंट पर रखो, वो है हमारा सीपी, वो है हमारा सीपी, क्योंकि 10 ही तो जाने चाहिए थे एक्चुअल में, इसलिए सीपी को रखा करो इसको। लॉस कितने हुआ, 2% का, 2 का ना, अबे 10 बेच रहे हैं, 2 जो पूरी ग्रीटिंग कार्ड है वो 2 तो वैसे ही चलेगा गरीबी में, ठीक है भाई। चलो इससे और अच्छे से समझ में आएगा, क्या कह रहा है भाई, सेलिंग 33 मीटर क्लॉथ, 33 मीटर क्लॉथ वो सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है 33 मीटर क्लॉथ, और उसने क्या किया, उसने लूज कर दिया, पैसे को ड्रॉप कर दिया, पैसे को कम कर दिया, उसने कम ऐसे किया मीटर को कि 33 मीटर कपड़ा बेचूंगा तो उसमें से वो इक्वल होगा सेलिंग ऑफ 3 मीटर क्लॉथ के, नहीं समझ में आया, 33 मीटर कपड़ा बेचा तो 3 मीटर कपड़ा कम के हिसाब से बिका, मतलब एक्चुअल में कितना मीटर बिका, 33 मीटर कपड़ा अगर वो सेल कर रहा है, मतलब एक तरह से सीपी है, मतलब सेलिंग 33 मीटर कपड़ा है, लेकिन उसका एसपी कितना जा रहा है, सीपी कितना जा रहा है, 3 कपड़े का 3 मीटर कपड़ा एक्स्ट्रा जा रहा है ना, यानी 36 मीटर जा रहा है ना कपड़ा, तो 36 मीटर कपड़ा जा रहा है ना, ध्यान से बताओ, उसकी जेब से कितने कपड़े गए, कितने मीटर कपड़ा गया, 36 मीटर गया है ना, 3 मीटर कपड़ा का सेलिंग प्राइस कम कर दिया उसने, लूज कर दिया 3 मीटर कपड़ा का, यानी 36 मीटर कपड़ा चला गया, पैसे आए सिर्फ 33 मीटर के, आ गया ना समझ में, नहीं आया क्या कहना चाह रहा हूं, पैसे कितने आए 33 मीटर के, भाई 36 मीटर कपड़ा चला गया, क्योंकि 3 मीटर कपड़े के पैसे आने ही नहीं है, लूज कर दिया, छोड़ दिया, माफ कर दिया, यही तो बोलना चाह रहा है, लूज कर दिया, कम कर दिया,
सेल हुआ 33 मीटर कपड़ा और 3 मीटर कपड़ा फ्रिज में दे दिया, तो टोटल 36 मीटर कपड़ा का चला गया ना, तो सीपी हमारा कितना हो गया 36 मीटर का। जब 36 मीटर बेच रहे हो, पैसे आ रहे 33 मीटर के, तो 3 मीटर कपड़ा लॉस नहीं है ना, लॉस हो गया। लॉस परसेंटेज निकाल दो, लॉस परसेंटेज बाय 3/36 मीटर इंटू 100 आ गया, इससे काट दो 12 + 36 यानी 100/12 12 अट्ठे 96 8 96 बचेंगे 4/12 अरे 12 अट्ठे 96 होता है। अच्छा कॉमन भी है ना इसमें, इसलिए कॉमन भी देखो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसमें कॉमन दिख रहा है 4 4 3 12 2500 यानी 25/3% 3 से काट लो 3 8 24 है ना, 3 8 24 बचेगा 1/3। इसको भी ऐसे था देखो, 8/4/12 था ना, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दिया करो, 4 * 4 4 * 3 = 12 ऐसे 8 होल्स टू 1/3% समझ में आ गया नहीं आ गया, समझ में आ गया। तो इसके बाद जो भी है ये दो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है, ये वाले को और ये वाले को, ठीक है। ये वाला तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, इन दोनों क्वेश्चंस को अगर नहीं आता तो मुझे कमेंट करना सर कंप्लीटली नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, कल और आगे पढ़ेंगे, डिस्काउंट है, सेल टैक्स वगैरह है, ठीक है, डेप्रिसिएशन वगैरह है, ये सब कल की वीडियो में कल पढ़ेंगे। अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसका हेड क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो ध्यान से, क्योंकि इस पे अभी तुरंत बाद डीपीपी आएगी और वो डीपीपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।